फ्रेंड्स, शिमला क्रॉस कर लिया और आपने जैसा मेरा लास्ट वीलॉग देखा था कि एएमएस के रिगार्डिंग या इट बाय वेरी बैड एएमएस, एएमएस की वजह से इशू ये हो गया कि शिमला पास क्रॉस करके जैसे वाटर क्रॉसिंग कर रही थी, आफ्टर दैट आई कुडंट राइड बिकॉज ऑफ अ बैड एडेक एंड यू नो द ब्लड प्रेशर वॉज शूट अप एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है. मेरे को कुछ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई कॉन्ट फील माई बॉडी, आई कॉन्ट लाइक बहुत डिफिकल्टी हो गया था एक स्ट्रेच में. देन फॉर अ टाइम आई कुडंट राइड एंड देयर वाज समबडी हू हेल्प मी विद सम पैच ऑफ राइडिंग. देन आई केम डाउन द शिंगला, वहाँ पे एक यू नो देयर इज अ प्लेस टू हैव एन इटरी, तो फटाफट कुछ खाया, थोड़ा चाय पिया, थोड़ा मेडिसिन दिया. देन आफ्टर टेकिंग अ सम रेस्ट एट इनोवा वी वेंट अहेड. बट जैसा हमने आगे इनोवा क्रॉस करके आगे जाने लगे, देयर वाज अ पॉइंट आई कुडंट सिट इनसाइड द कार एंड आई जस्ट वांटेड टू वॉमिट इट आउट. आई जस्ट वेंट आउट एंड आई वॉज लाइक वॉमिटिंग लाइक क्रेजी. देन अगेन आफ्टर सम दैट सेशन आई केम बैक सेट इन द कार एंड लकीली आई वॉज हैविंग सम मेडिसिन फॉर द हेडेक एंड ऑल. आई टुक दैट एंड वी वर प्रोसीडिंग अहेड. आगे चलते चलते जैसे आपको रास्ता दिख रहा है ऐसे ही ऑफ रोड पैच है, वेरी ब्यूटीफुल वैली, वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वेरी स्कैरी. और जितना बाइक में डर लगता है ना, उससे ज़्यादा डर आपको एक्चुअली पता है, यू गेट स्कैर्ड इन द दिस टाइप ऑफ रूट. बट नथिंग टू डू, स्टार्ट में माइंड सेट कर लिया था कि जाना है. तो लास्ट टाइम तो मैंने पूर्णे यू नो टिल जिसपा टू शिंगला ये कर लिया था. दिस टाइम इट माइट बी पॉसिबल बिकॉज हमने एलिफैड में 45 मिनट्स फॉर वेटेड फॉर द यू नो द कार्स बिकॉज कुछ लोग लाइक निखिल एंड ऑल वॉन्टेड टू यू नो हैव ड्रोन शॉट और उनका फोटोग्राफर गाड़ी में थे. दे वेटेड देयर फॉर 45 मिनट्स. शिंगला में आके अगेन 45 मिनट्स. सो शायद पास में दे से यू शुड नॉट वेट मोर देन 5 मिनट्स एंड आई वेटेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. एक्चुअली पुणे का रीचिंग वहाँ पे जो पहुँचने का जहाँ पे रुके जो भी वीडियो जो भी खाया पिया कुछ नहीं किया बिकॉज जैसे मैं पुणे पहुँची आई वॉज इन लाइक आई जस्ट नीडेड टू रेस्ट. मैंने ना इतना बैड हेडेक इतना तकलीफ लाइफ में कभी नहीं देखा. इट वॉज सच अ बैड पैच. मेरे को अवरली बेसिस में हेडेक आता था एंड आई वॉज स्क्रीमिंग आउट ऑफ द पेन बट नथिंग टू डू. वहाँ पे कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है एंड वॉशरूम वॉज ऑल्सो नॉट दैट यू नो द वे इट इज़. तो सब कुछ हैंडल करने के बाद इज जस्ट दैट की आई वॉज लाइक मैं अपने आप को थोड़ा ठीक कर लूँ एंड आई हैड अ डिनर. आई जस्ट वेंट बैक टू स्लीप, गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड आई अगेन आई वॉज लाइक वेरी क्लियर माई बॉडी वॉज नॉट रेडी बिकॉज पुणे भी हाई अल्टीट्यूड में आता है. सो आई वॉज लाइक नॉट एबल टू वॉक लाइक सम डिस्टेंस. आई वॉज ब्रीथिंग हेवीली. सो वी हैव डिसाइडेड कि बेटर है कि मैं अभी फिलहाल नहीं राइड करूँ. आई विल मूव अहेड ऑन अ कैब एंड अगेन बाद में देखेंगे. अकॉर्डिंग टू देम एक घंटा लगेगा, फिर यहाँ से हम निकलेंगे, फिर ये जो है नीचे जाएंगे. थोड़ा 7 से 10 किलोमीटर और है बट दे आर सेइंग वहाँ पे टामैक है. सो होपफुली वी गेट दिस वन. भूख भी लगी, अभी हम पीनट्स खा रहे हैं. यही चालू है, डस्ट इतना उड़ रहा है गाड़ी में, इट्स क्लियर एंड आई डोंट नो ये लोग कैसे क्लियर में अभी तक, मुझे समझ नहीं आ रहा. आई होप दिस क्लियर सून. दिस इज अनसेक रेस्टोरेंट. हम बहुत भूखे हैं, वी आर नॉट हैड लंच. द प्लान इज टू हैव समथिंग यमी, सेटल डाउन. जस्ट हैडिंग यू इन केस इमेज इज लुक वेरी बैडली व्हाट टू डू. आई एम नॉट हैडिंग दिस वीडियो टू स्कैर यू, जस्ट शेयरिंग इट सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट मस्ट बी डन. इन पदम देयर इज एन हॉस्पिटल व्हिच वी नीड टू गो एंड टेक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर. दे विल चेक योर ब्लड प्रेशर एंड योर पल्स and on that basis they will recommend the proper prescription what has to be done. In my case they recommended 3 injections and oxygen for an hour but they repeated the same thing after an interval of 2 to 3 hours which right. helped me to recover quickly. stupa ke is taraf se jaane ka hamesha stupa ke is taraf se jaane ka aane ke time us taraf se aane ka. it's like taking the blessing of the god over there. वेरी पीसफुली क्वाइटली एंड एंजॉइंग द व्यू. इतना मज़ा आ रहा ना कि ऐसा कि मतलब बस इसी के लिए बाइक चलानी है और कोई रीज़न नहीं है बाइक चलाने की. मतलब ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग कार में कभी नहीं आएगी. लाइक जस्ट यू एंड द माउंटेन्स एंड द वैली एंड यू आर जस्ट गोइंग इन बिटवीन दैम एंड यू जस्ट एडमायरिंग देयर ब्यूटी एंड दे आर लाइक टॉकिंग टू यू, दे आर गिविंग देयर ब्लेसिंग्स एंड दे आर हैप्पी दैट यू केम टू विजिट दैम. एक अलग इमोशन है, अलग फीलिंग है एंड that feeling can never be brought up by anything. and please यहाँ पे आके ना मतलब अंडर की 120 की स्पीड में चलाओ,
कोई मतलब नहीं यार, रोड पे ही फोकस करना पड़ेगा। दे रोड पे फोकस करना है ये, तो हाईवे में चला लो, हमें तो एंजॉय करना चाहिए वैली। सो इट्स जस्ट मी एंड द वैली, कोई नहीं है रोड पे, कोई नहीं। एंड यू नो इसमें एक सुकून सा डीप ब्रीथिंग आती है, विच इज या इसके लिए ही बाइक चलाना और कोई रीज़न नहीं है। हाँ मैं थोड़ी ऑफ रोड से फटी ज़रूर है, बट यार फटती है तो वो चीज़ करते करते ही तो आदत पड़ेगी। अगर ये सोचने लग जाएंगे फटती है ठीक है तो लाइफ में कुछ करने ही नहीं मिलेगा। पदम से स्टार्टेड राइडिंग, जैसा आप देख रहे हो ब्यूटीफुल वैली, मज़ा आ रहा है। बीच बीच में पैच ऑफ ऑफ रोड, और ये ऑफ रोड में चलाने में जो मज़ा है, आई एम टेलिंग यू आफ्टर द थार में यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बट बहुत मज़ा आ रहा है। द वैली इज़ लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल एंड माई हेल्थ इज़ लिटिल बिट बेटर, गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ यू नो स्ट्रेस एंड ऑल, माई हेल्थ काफ़ी ब्लड प्रेशर इशू वगैरह। Thank you.